एक व्यूवर का क्वेश्चन है कि इंटरप्रेटर और ट्रांसलेटर में क्या फर्क होता है, जबकि दोनों का मीनिंग अनुवादकर्ता या तर्जुमा करने वाला होता है। तो फिर हम कैसे समझे कि हमें कब कहना चाहिए इंटरप्रेटर और कब हमें कहना चाहिए ट्रांसलेटर? तो आइए फ्रेंड्स, इस कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। आइए सबसे पहले देखें कि इंटरप्रेटर क्या है। इंटरप्रेटर स्पोकन वर्ड्स के लिए काम करता है, यानी बोले हुए वर्ड्स के लिए काम करता है। वहीं अगर हम बात ट्रांसलेटर की करें तो ट्रांसलेटर लिखे हुए वर्ड्स के लिए काम करता है। कई बार आप टीवी में या फिर किसी शो में देखे होंगे जहाँ किसी लीडर के पास एक इंटरप्रेटर होता है, यानी अगर वो लीडर एक ऐसी लैंग्वेज बोल रहा है जिसे वहाँ के लोकल लोग नहीं समझते हैं, तो फिर वो इंटरप्रेटर उस लीडर की तरफ से बोले गए स्पीच को जुबानी ट्रांसलेट करता है उस लैंग्वेज में जिसे कि वहाँ के लोकल पीपल समझते हैं। तो चूंकि यहाँ पर ट्रांसलेट करने का काम जुबानी हुआ, यानी किसी के बोले गए सेंटेंसेस को सुनकर उसे ट्रांसलेट किया गया, तो इसलिए उस आदमी को हम कहेंगे इंटरप्रेटर, यानी हम उसे ट्रांसलेटर नहीं कह सकते। अक्सर आप देखे होंगे कि एक प्रीचर के पास इंटरप्रेटर होता है। प्रीचर मतलब वो जो धार्मिक उपदेश देते हैं, यानी मजहबी बात करते हैं। तो चूंकि ये दुनिया के अलग अलग जगह पर प्रीच करने जाते हैं, इसलिए इनके पास एक इंटरप्रेटर होता है जो इनके तरफ से बोले गए सेंटेंसेस को सुनकर उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है जिसे कि वहाँ कॉमन पीपल समझते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पहला कंसेप्ट समझ में आया कि इंटरप्रेटर किसे कहते हैं। आइए अब देखें कि ट्रांसलेटर किसे कहते हैं। ट्रांसलेटर उन लोगों को कहते हैं जो किसी लिखी हुई लाइन को, यानी किसी लिखी हुई लेटर को या किसी आर्टिकल को दूसरे लैंग्वेज में तर्जुमा करते हैं या अनुवाद करते हैं, तो ये होते हैं ट्रांसलेटर। छोटा में आप ऐसा समझ लें, जो अनुवादकर्ता स्पोकन वर्ड्स के लिए काम करता है, यानी बोले गए वर्ड्स को सुनकर ट्रांसलेट करता है, उसे हम इंटरप्रेटर कहते हैं। और जो अनुवादकर्ता लिखी हुई चीज को ट्रांसलेट करता है, यानी अनुवाद करता है, तो उसे हम ट्रांसलेटर कहते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि डिफरेंसेस आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय।